अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ हसान आदिल, आई एम फ्रॉम रक्षंदा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची कैंपस। आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 7 के लिए, जो कि सोशल स्टडीज़ का है, जो कि चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ। देखें अर्थ क्या है हमारे पास, सबसे पहले सुन लीजिए, अर्थ हमारे पास थर्ड प्लैनेट है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो सैारे हैं जो स्पेस पे मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 8 सैारे हैं, उन 8 सैारों में जो थर्ड नंबर का सैारा है जिसका नाम है अर्थ, जिस पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे हम रहते हैं, जिसको उर्दू मीनिंग में हम ज़मीन भी कहते हैं, तो वो है अर्थ। अब उस अर्थ की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसके फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं, यानी फ़िज़िकल स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि अर्थ के दिखने दिखाने में किस तरह है, उसका इंटरनल और उसका एक्सटर्नल दोनों तौर पे वो किस तरह होता है, किस तरह उसकी मूवमेंट होती है, तो इन सब चीज़ों के हवाले से आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ है अर्थ एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्या है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, बुक सामने रखिएगा, बुक के मदद से पढ़िएगा ताकि बहुत प्रॉपरली समझ में आए आप लोगों को। अर्थ एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ कि अर्थ क्या है और अर्थ किसकी कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अर्थ जो है एक हमारे पास थर्ड प्लैनेट है जिस पे हमारी लाइफ सर्वाइव करती है। अर्थ याद रखिएगा कि अर्थ, अगर आप देखें अर्थ को, कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ राउंड है, अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ थोड़ा सा फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या होता है कि मामूली सा चपटा है, यानी अपर से और लोअर से मामूली सा चपटा होता है, फ्लैट होता है, यानी जस्ट लाइक अ एग, जिस तरह एक अंडा होता है तकरीबन एग अर्थ भी जो है वैसा ही दिखता है। अर्थ का जो ये सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या होगा कि अर्थ का जो भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे इक्वेटर। अर्थ का जो डायामीटर होता है, सर डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ये होता है कि अर्थ की जो गोलाई है, पूरी गोलाई, अब ये किसी चीज़ की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ है, लंबाई का मतलब है लेंथ, चौड़ाई का मतलब है विड्थ। तो याद रखिएगा, इसी तरह अगर किसी की गोलाई नापनी है तो गोलाई के ऊपर हम इंग्लिश में जो कहेंगे, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स में जो हम कहेंगे, वो हम कहेंगे कि वो उसका डायामीटर है। तो अर्थ का जो डायामीटर है वो तकरीबन 12,756 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 12,756 किलोमीटर उसका रेडियस है, यानी इसको पूरी गोलाई अगर नापें तो आप 12,756 किलोमीटर उसका डायामीटर है। इसके बाद अगर इक्वेटर से उसके कॉर्नर तक का डिस्टेंस नापें, उसका फासला नापें, तो उसका फासला कितना होगा, तकरीबन उसका फासला है 40,076 किलोमीटर, यानी कि 40,076 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, यानी इतना डिस्टेंस है। तो याद रखिएगा, ये हमने दो चीज़ें देखी कि सबसे पहले हमने बताया कि इसका डायामीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर इसका डायामीटर हो गया, और उसका डिस्टेंस यानी इक्वेटर, इक्वेटर क्या होगा, जो उसका सेंटर पार्ट होगा, उसके सेंटर पार्ट से लेकर उसके कॉर्नर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो है 40,076 किलोमीटर। इसके बाद कंपोजिट, ये तो हमने बता दिया कि अर्थ का एक अर्थ क्या है और अर्थ का स्ट्रक्चर क्या हो गया। इसके अलावा अर्थ की कंपोजिशन क्या है, अर्थ की कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अर्थ किससे मिलके बना हुआ है। तो याद रखिएगा, अर्थ दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, या तो लैंड से या वाटर, यानी अर्थ की कुछ जगहों पर ज़मीन है, खुश्क भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, गीली भी हो सकती है, और इसके अलावा कुछ जगहों पर सिर्फ पानी पानी है। तो ये दो चीज़ें, यानी कि मेजरली लैंड या वाटर, देयर आर दिस टू थिंग्स दैट कंपोज एंड मेक अर्थ। अब याद रखिएगा, तकरीबन 1/3 ऑफ अर्थ, अर्थ का एक तहाई हिस्सा जो है वो लैंड से मिलकर बना है, एक तहाई यानी 1/3। तो 1/3 हिस्सा जो अर्थ का है वो किससे मिलकर के बन रहा है, वो आपका लैंड से मिलकर बन रहा है, जबकि 2/3 यानी 2/3, तो 2/3 जो हिस्सा है उसका वो वाटर से मिलकर बनता है। तो अर्थ की दो कंपोजिशन है और दोनों की मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेयर्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ को इंटरनली, उसको यानी अंदरूनी तौर पे इंटीरियर उसका कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, अर्थ को इंटरनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या आप ऐसा कह सकते हैं तीन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब वो तीन लेयर्स कौन कौन सी हो सकती हैं, द फर्स्ट वन लिथोस्फीयर, जिसको हम दूसरे तरीके से क्रस्ट भी कहते हैं, दूसरा है हमारे पास मेसोस्फीयर, जिसको हम मेंटल भी कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास बैरोस्फीयर, जिसको हम कोर भी कहते हैं। अच्छा जी, लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ की जो सबसे अपर लेयर, सबसे ऊपर की जो सरफेसी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर, इसके अलावा उसका दूसरा नाम हम क्रस्ट भी कहते हैं। अर्थ इसकी जो थिकनेस होती है, यानी मोटाई, इस लेयर की जो मोटाई है वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर है, यानी इसकी जो मोटाई है
वो तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर है, यानी 4 से 5 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। इस लिथो स्पेयर के ऊपर ही जो हमारी लाइफ है वो सर्वाइव करती है। तकरीबन हमारी लाइफ, याद रखिएगा, इस क्रस्ट के बीनीथ पे भी रहती है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के बीनीथ तक हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, नीचे तक रह सकती है। तो याद रखिएगा, तो इसी तरह ये 4 से 5 किलोमीटर की इसकी मोटाई होगी और जिसके ऊपर हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी। तो जो क्रस्ट, बेसिकली याद रखिएगा, क्रस्ट को भी अगर मैं आप एक्सप्लेन करूं तो देखें, याद रखिएगा आप इस क्रस्ट के नीचे ओशन भी मौजूद है और कॉन्टिनेंट भी मौजूद है। ओशन क्या है? एक समुंदर कह सकते हैं, जबकि कॉन्टिनेंट क्या है? एक पूरा बर्रे आजम। तो याद रखिएगा, जो क्रस्ट ओशन के बीनीथ होती है, ओशन के नीचे जो क्रस्ट मौजूद है, या ऐसा कह लें जो ओशन क्रस्ट के नीचे मौजूद है, उसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। जबकि जो क्रस्ट कॉन्टिनेंट के नीचे मौजूद है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट क्रस्ट। तो ये दो हमने क्रस्ट की मैंने आपको कैटेगरी बताई। इसके अलावा क्रस्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, उसका पहला पार्ट है, क्रस्ट का जो पहला पार्ट है वो आपका है अपर पार्ट, जिसको आप कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके अलावा क्रस्ट का दूसरा पार्ट होता है, यानी मैं लिख देता हूं कि अपर पार्ट, क्रस्ट को दो में डिवाइड किया गया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जबकि लोअर क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? ओशनिक शेल्फ। तो ये क्रस्ट को दो में डिवाइड कर दिया गया। तो यानी कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के साथ है अपर क्रस्ट, उसको हम कहेंगे अपर क्रस्ट, और जो ओशनिक शेल्फ, ओशनिक के साथ है, उसको हम क्या कह देंगे? लोअर क्रस्ट। तो ये हमारे पास दो कैटेगरी मौजूद हो गई। अब याद रखिएगा, इन दोनों को सर कंबाइंडली क्या बोलेंगे? इन दोनों को जो हम कंबाइंडली हमारे किताब के अंदर जो डिस्कस किया गया है, वो कंबाइंडली हम इसको नाइफ कहेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अब ये ओशनिक शेल्फ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ किससे मिलकर बनता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है आपका, वो सिलिकन एंड एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। यानी दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सिलिकन एंड एल्युमिनियम, इससे मिलकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है। जबकि ओशनिक शेल्फ जो है वो आपका मिलकर बनता है सिलिकन और मैग्नीशियम से। ये अभी किताब में लिखा हुआ भी है। तो याद रखिएगा, जो अपर पार्ट, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये दो चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, यानी कि आपका द फर्स्ट वन सिलिकन एंड एल्युमिनियम। इसीलिए इसको हम मजीद ये भी कहते हैं कि इसको हम कहते हैं, ये है सीमा, SIMA। SI का मतलब सिलिकन हो गया, सॉरी, और AL सेल, यानी SI का मतलब सिलिकन और AL का मतलब एल्युमिनियम। तो सिलिकन और एल्युमिनियम की कंपोजिशन से कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन रहा है। जबकि ओशनिक शेल्फ जो है वो आपका मिलके बन रहा है सीमा से, SIMA सीमा। SI का मतलब वही सिलिकन और MA का मतलब मैग्नीशियम। तो इसके शॉर्ट को, फुल फॉर्म को इसके सिर्फ कैप इस लेटर से डोनेट करके इसके एक न्यू नाम बना दिए गए। तो ये आपका आ गया लिथोस्फीयर, द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ। एंड द सेकेंड लेयर वी हैव मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर का दूसरा नाम और क्या हो सकता है? मेंटल भी होता है इसका नाम। अब मीजोस्फीयर को हम क्या होता, मीजोस्फीयर की तकरीबन थिकनेस कितनी है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी सर थिकनेस कितनी है। इसकी थिकनेस थी 4 से 5 किलोमीटर, यानी 4 से 5 किलोमीटर की इसकी टोटल थिकनेस थी, मोटाई थी। इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है तकरीबन 2900 किलोमीटर। आप फर्क देखिए, डिफरेंस देखें, तो आपको वाजे नजर आएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर मौजूद है। तो देखें, 2900 किलोमीटर, कहाँ 4 से 5 और कहाँ 2900। तो इसका मतलब हो गया ये कि जो सर इसकी थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप अपनी किताब में डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको मीजोस्फीयर की जो लेयर की थिकनेस नज़र आएगी वो बहुत ज़्यादा मोटी नज़र आएगी। तो ये लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर के मुकाबले में मीजोस्फीयर की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर जो है वो मीजोस्फीयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेंसर है, यानी बहुत ज़्यादा हल्की है। इसका दूसरा नाम मेंटल भी हो सकता है। अच्छा जी, अर्थ का जो 80% वॉल्यूम है, यानी अर्थ का 80% वॉल्यूम, सर वॉल्यूम क्या होता है? जगह कह लें कि अर्थ की जो 80% जगह कंपोज हुई हुई है वो तकरीबन मीजोस्फीयर से हुई हुई है। यानी 80% तो समझ लें मीजोस्फीयर नहीं ले लिया, अब बचा कितना? 20%। तो 20% लिथोस्फीयर और बैरोस्फीयर के अंदर डिवाइड हो गया होगा। इसके बाद तकरीबन 68% जो है इसका मास होता है,
मास क्या है, आप ये कह सकते हैं कि मास जो है वो वेट है, वजन है। तो इसका 68% जो अर्थ का वजन है वो तकरीबन मीजोस्फीयर ही ले रहा है। सर मीजोस्फीयर किससे मिलके बनता है? मीजोस्फीयर बहुत हार्ड रॉक से मिलके बनता है, चट्टानों से मिलके बनी हुई होती है ये लेयर, तो इसको हम कहते हैं मीजोस्फीयर या फिर देन मेंटल भी हम कह सकते हैं। इधर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू लिथोस्फीयर। एंड द थर्ड लेयर वी हैव बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर का दूसरा नाम हमारे पास कोर भी दिया गया है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि आपके पास बैरिस्फीयर का जो नाम दिया गया है वो दूसरा कोर दिया गया है। बैरिस्फीयर क्या है? अर्थ की थर्ड लेयर। इसमें याद रखिएगा ये थोड़े से गोलाई बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप किताब में डायग्राम देखेंगे तो आपको वहाँ नजर आएगा गोल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बॉल की तरह। तो इसके अंदर सबसे अच्छा ये सॉफ्ट होती है और ये सॉलिड भी होती है और एज वेल एज जो है वो लिक्विड भी होती है। तो कोर जो है, कोर को दो में डिवाइड किया गया है, अपर कोर और लोअर कोर। अपर कोर जो होती है वो थोड़ी सॉलिड होती है और आयरन और निकल से मिलके बनती है। दो एलिमेंट है आयरन निकल, इन दो से मिलके बनती है, उसको हम कहते हैं अपर कोर। और जो लोअर कोर होती है या इनर कोर कह लें, तो वो जो इनर कोर होती है वो मिलके बनती है आयरन और निकल से, लेकिन वो लिक्विड होती है, मेल्ट हुई भी होती है। तो ये दो लेयर आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की गई। इसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन वेरी करते हुए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है, यानी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा गर्म होता है ये टेम्परेचर। और ये गोल होता है तो वहाँ पर ये मूवमेंट भी कर रहा होता है, बॉल लाइक होता है, तो ये इस लेयर के साथ मिलकर मूवमेंट भी कर रहा होता है। तो ये हमने अर्थ की कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद अर्थ की हमने तीनों लेयर्स को डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया। किताब से इसको देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर होगा। देन वी हैव द टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? अर्थ की जो सबसे अपर लेयर है दैट इज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को कुछ पार्ट्स में, ऐसा कह लीजिए कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। उस पार्ट्स में जो डिवाइड, इस लेयर को जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर को मजीद कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। और उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सर वो प्लेट है। अब प्लेट टेक्टोनिक क्या है? कि प्लेट टेक्टोनिक ये है कि प्लेट टेक्टोनिक की मदद से ही वहाँ पर जो आपकी लेयर्स हैं वो डिवाइड हुई हैं और वो लेयर्स वहाँ पे मूवमेंट करती हैं। अभी मैं आगे जाके और दिखाता हूँ आपको कि मूवमेंट किस तरह करती हैं। तो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं जो वहाँ पे मूवमेंट करती हैं। उसी प्लेट्स की मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब वो हमारे पास मुख्तलिफ हैं, तकरीबन 7 प्लेट टेक्टोनिक हमारी किताब के अंदर डिस्कस की गई हैं। पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट, ये आपके पास 7 प्लेट्स आ गई जो आपके पास मुख्तलिफ तरीके से डिवाइड कर दी गई हैं इन चीज़ों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से। अब किसकी मदद से? जिस तरह देखें पूरे अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनको बाउंड्री बनाई हैं, जिनको हम कहते हैं बॉर्डर्स हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है तो एक ही ज़मीन, लेकिन बीच में एक बॉर्डर बना दी गई कि भाई ये मुल्क एक अलग हो गया, ये मुल्क एक अलग हो गया। इसी तरह इनकी प्लेट्स के भी दरमियान बाउंड्रीज बना दी गई कि भाई ये बाउंड्री अलग हो गई, ये बाउंड्री अलग हो गई। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। कि उनकी मदद से, उन प्लेट बाउंड्रीज की मदद से ये अलग अलग हो गई। इसके अलावा ये मूवमेंट करती हैं, ये जो प्लेट्स होती हैं ये अपने इर्द गिर्द रहते हुए मूवमेंट करती हैं, उसी मूवमेंट की वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करता है, यानी चेंज करता है। प्लेट बाउंड्रीज के हिसाब से, उसकी मूवमेंट के हिसाब से, कि प्लेट जब आपस में मिलती हैं या प्लेट जब दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं या प्लेट्स हट रही हैं, तब कंडीशन क्या होती है? तो हमारे पास 3 कंडीशन बता दी गई। पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरी है कन्वर्जेंट बाउंड्री, एंड द थर्ड वन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? डाइवर्जेंट का मतलब होता है अवे, यानी दूर जाना। इसमें होता क्या है कि दोनों प्लेटें दूर चले जाती हैं एक दूसरे से। देखिए सपोज करेंगे प्लेट है बीच में, एक प्लेट इस तरफ जाएगी, एक प्लेट इस तरफ, तो दोनों प्लेटें आपस में अपोजिट जा रही हैं। तो ये दोनों प्लेट जब अवे होती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो हम उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री है वो, तो द फर्स्ट वन। अब जब दो प्लेटें आपस में करीब आती हैं, जैसे कि ये एक प्लेट है ये इसके साथ करीब आ रही है, ये एक प्लेट है ये इसके पास करीब आ रही है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो हम उसको कहते हैं वो क्या है हमारे पास? कन्वर्जेंट बाउंड्री है। एंड द थर्ड वन, कि जब एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि ये इस तरफ की डायरेक्शन में मूव करे, ये इस तरफ, तो यानी इस तरह स्लाइडली अप एंड डाउन करके मूव करे, तो जब ये स्लाइडली अप एंड डाउन करके मूव करेगा तो याद रखिएगा उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? कि ये हमारे पास क्या है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का लेक्चर पूरा समझ आया होगा। और अगर आप एक मरतबा इसको थोड़ा सा आप आधे मिनट एक मिनट के अंदर अंदर इसको देखें, अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूँ तो अर्थ और उसकी कंपोजिशन आपको समझाई, पहले मैंने अर्थ की तीनों लेयर्स के हवाले से बताया कि लिथोस्फीयर उसका नाम क्रस्ट भी होता है, मीजोस्फीयर उसका नाम मेंटल भी होता है, एंड द थर्ड वन बैरिस्फीयर उसका नाम कोर भी होता है। फिर इसके अलावा मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स बताई कि उसकी प्लेट्स होती हैं जो उसकी मूवमेंट करती हैं, जो उनको डिवाइड किया गया है, लिथोस्फीयर के ऊपर कुछ प्लेट्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है, वो सात प्लेट्स बता दी। और जब ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं तब की कंडीशन क्या होती है, प्लेट की बाउंड्रीज क्या होती है, और ये मैंने आपको सारा यहाँ तक का क्लियर कर दिया। तीन बाउंड्री डिफाइन करी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यहाँ तक का क्लियर हुआ। अब हम इंशाल्लाह आगे की तरफ स्विच करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है मूवमेंट ऑफ क्रस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूवमेंट ऑफ क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या था, अभी बताया था कि जो सबसे अपर लेयर होती है लिथोस्फीयर उसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, जिस पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो मूवमेंट ऑफ क्रस्ट यानी कि जो क्रस्ट है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि उसके ऊपर उस जो अंदर रॉक्स होती हैं, जो सेकंड लेयर होती है मीजोस्फीयर, उसके ऊपर रॉक्स होती हैं और रॉक के ऊपर बेशुमार फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। उन जो रॉक के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो रॉक है उस रॉक के ऊपर जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उस फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। कि ये वो फोर्सेज हैं जो रॉक के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। इसके अलावा अब वो रॉक जो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं वो तीन किस्म की हो सकती हैं। द फर्स्ट वन कंप्रेशन, टेंशन और शेयर। कंप्रेशन क्या होती है कि जब ऐसी फोर्स लगे जो किसी भी रॉक को स्क्विज कर दे, स्क्विज का मतलब होता है आपस में जकड़ दे, मिला दे। तो जब दो रॉक्स आपस में मिल जाती हैं, जकड़ दी जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन है। और जब दो रॉक्स को ब्रेक होती हैं और वो दूर होती हैं, पुल होती है यानी खिंचती है, तो जब वो दूर होती है खिंच जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं टेंशन है। एंड द थर्ड वन वी हैव इस शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी रॉक का जब ब्रेक होती है उसके ऊपर फोर्सेस लगती हैं तो वो इस तरह से मूवमेंट करती हैं, अब आगे पीछे होती हैं डिफरेंट हॉरिजॉन्टल के अंदर, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। तो ये तीनों वो फोर्सेस हैं जो क्रस्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये जो स्ट्रेस है ये किसकी वजह से आता है, किसकी इसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है ये स्ट्रेस लगने की वजह से, किसके ऊपर, रॉक के ऊपर। रॉक कहाँ मौजूद है, क्रस्ट पे, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको स्ट्रेस कह रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से दो चीजें होती हैं, एक फोल्डिंग, दूसरा फॉल्टिंग। अब पहले देखते हैं फोल्डिंग क्या होती है। फोल्डिंग का मतलब होता है कि रॉक का बढ़ जाना, यानी एक तरफ से उठ जाना और दूसरी तरफ से बैठ जाना। तो होगा क्या इसके अंदर कि रॉक जो होती है फोल्डिंग के अंदर वो मुड़ जाती हैं या टिल्ट हो जाती हैं, झुक जाती हैं। तो मुड़ती है या झुकती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग। अब वो तीन किस्म की है, पहला है मोनोक्लाइन। मोनोक्लाइन का मतलब क्या होता है कि रॉक एक तरफ से उठेगी और दूसरी तरफ से बैठ जाएगी, ये आपके डायग्राम में भी बना हुआ है, इसको कहेंगे मोनोक्लाइन। के ऐसी फोल्डिंग के एक साइड से उठ जाए दूसरी साइड से बैठ जाए। एंटीक्लाइन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से बैठी हुई हो और एक बीच में से सेंटर में से उठ जाए और दोनों साइड से बैठ जाए, यानी इसके ईच का मतलब होता है कोने, इसके कोने बैठे हुए होते हैं और सेंटर उठ जाता है। अच्छा, थर्ड वन है साइंक्लाइन। साइंक्लाइन का मतलब होता है कि ईच से ही उठे हुए होते हैं और सेंटर से बैठा हुआ होता है, तो दोनों ईच इसके उठे हुए होंगे और सेंटर इसका बैठा हुआ होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइंक्लाइन। तो फोल्डिंग तीन किस्म की हो सकती है, किसकी वजह से कॉज हो रही है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस क्या था, एक फोर्स थी। फोल्डिंग क्या है, फॉल्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी रॉक का ब्रेक हो जाना, टूट जाना, कि जब रॉक ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई फोर्सेस अप्लाई होने की वजह से वो टूट जाती है। तो जब किसी भी रॉक का ब्रेक होता है, टूटता है, तो वो तीन किस्म की कॉज करके देती हैं। अब वो तीन किस्म की कॉज क्या होती है, सबसे पहला है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट का मतलब, अच्छा पहले फॉल्टिंग की एक बात और देख रहे हैं कि अगर देखिए ये रॉक थी यहाँ से ब्रेक हुई तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे ये फॉल्ट यहाँ पर हुआ है, जहाँ पे ब्रेक हुआ, तो जहाँ पे ब्रेक हुआ उसको हमने क्या बोला, वो जगह फॉल्ट है। तो टूटने के बाद जो पार्ट अपर की तरफ जाता है, जो ऊपर की तरफ जाता है फॉल्ट प्लेन से, उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल। क्या बोलेंगे, हैंगिंग वॉल, ठीक है। जबकि जो लोअर पार्ट की तरफ जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, और जो नीचे की तरफ पार्ट जा रहा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहते हैं कमिंग वॉल। अच्छा जी, तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई। नॉर्मल फॉल्ट क्या होगा, अब नॉर्मल फॉल्ट को देखें। नॉर्मल फॉल्ट का मतलब होता है
कि ऐसे रॉक ब्रेक हुई कि इसका एक पार्ट अपर की तरफ जाए और दूसरा पार्ट लोअर की तरफ आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा कि टूटने के बाद जो है एक पार्ट तो नॉर्मल जगह पे रहे, दूसरा पार्ट ऊपर की तरफ चला जाए, यानी एक ऐसी रुका हुआ है और दूसरा ऊपर उठता चला जाए, तो हम उसको बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट है। जबकि लैटरल फॉल्ट क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से स्क्वीज हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन को बदलेंगे लेकिन हॉरिजॉन्टल पे ही रहेंगे। सर हॉरिजॉन्टल क्या होता है, यानी इस तरह से सीधा, राइट टू लेफ्ट एंड राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन नहीं होगा। तो इस तरह की जो फॉल्टिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटरल फॉल्ट। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि मूवमेंट ऑफ क्रस्ट का टॉपिक समझ आया होगा। द सेकेंड लास्ट टॉपिक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब आप जानते हैं कि अगर इसके उर्दू मायने पे आप बात करें तो अर्थक्वेक के जो उर्दू मायने होते हैं वो होते हैं आपका जलजला। ये किसकी वजह से कॉज होता है कि जब क्रस्ट का, जो क्रस्ट है जहां पे हमारी लाइफ सर्वाइव कर रही है, वो क्रस्ट का अचानक से शेक कर जाना, ट्रेम्बलिंग कर जाना, हिल जाना, अचानक से जब वहां पे शेकिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, हिलते हैं, तो उसकी वजह से जो कॉज होता है वो क्या कॉज होता है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है, यानी जलजला आ जाता है। अब ये किसकी वजह से आ रहा है कि देखें, जब ये स्ट्रेस अप्लाई होता है तो वहां पे जब अचानक से स्ट्रेस अप्लाई हो जाए, फोर्सेस बहुत ज्यादा लग जाए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से स्ट्रेस लगेगा, फोर्स लगेगी, और फोर्स लगने की वजह से जो रॉक है आपका वो टूटेगी, और रॉक टूटने के बाद ग्राइंड हो जाए, पिस जाए, तो अचानक से जो झटका आता है रॉक टूटने का, तो वो क्या कॉज करवाता है, जलजले को कॉज कराता है। अब ये जब रॉक टूटती है तो उसमें से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जब रिलीज होती है उसके अंदर से बहुत, क्योंकि टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर की वजह से गर्माहट आती है, तो टेम्परेचर की वजह हीट है, हीट की वजह से टेम्परेचर जरूर होगा, हीट है तो एनर्जी भी होगी। तो होगा क्या कि जब रॉक टूटेगी, ब्रेक होगी, तो रॉक के ब्रेक होने की वजह से जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी जिस फॉर्म में रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं सीज़मिक वेव्स। ये मैंने यहां भी लिखा है, ये लिखा हुआ सीज़मिक वेव्स। तो सीज़मिक वेव्स क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है कि जब जलजला आता है तो वहां पर एनर्जी की फॉर्म्स रिलीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो सीज़मिक वेव्स है। अच्छा, अब जो सीज़मिक वेव्स होती है वो तीन किस्म की होती है, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। पी वेव्स का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, और एल वेव्स का मतलब होता है सरफेस वेव्स। होता क्या है, ये तीन किस्म की वेव्स निकलती है, अभी मैं इनके फंक्शन भी बताता हूँ। ये सीज़मिक वेव्स जो होती हैं, आप समझिएगा, अर्थ के जिस क्रस्ट के जिस पार्ट पर जो जलजला कॉज होता है, जिस जगह पर आता है, उस जगह जहाँ पे वो रॉक टूटी, फॉल्ट हुआ, तो याद रखिएगा जिस जगह पे वो टूटी उसको हम बोलते हैं फोकस। अब देखिएगा, सपोज ये एक अर्थ है, इस जगह पे जलजला आया, अर्थक्वेक हुआ, तो ये फॉल्ट का पार्ट था, अब स्ट्रेस अप्लाई हुआ, ज़्यादा अप्लाई हुआ, रॉक टूटी, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, जहाँ पे जलजला अकर हुआ। अब जैसे जलजला अकर होता है तो उसकी जो वेव्स हैं, ये सीज़मिक वेव्स, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं। तो जो सबसे जैसी सबसे पहले ये ऊपर की तरफ जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट वेव जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ, तभी तो आप देखें जमीन ऊपर से फटती है, हर चीज ऊपर से गिरती है, तो क्योंकि वो रेस ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे ही जो ऊपर की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो एपिसेंटर क्या है कि जब फोकस पे अर्थक्वेक हुआ तो उसकी वेव्स एकदम ऊपर की तरफ गई, द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव, जो सबसे ज्यादा ताकतवर वेव्स होती है ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। तो याद रखिएगा इसकी वजह से अर्थक्वेक फॉर्म होता है, यानी कि ऐसा कि फॉल्ट हुआ, यानी रॉक ब्रेक हुई, ग्राइंड हुई, वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होना, तो अचानक से जब रिलीज होती है तो क्रस्ट ट्रेम्बलिंग करता है या शेक करता है, हिलता है, तो उसकी वजह से वहां पर अर्थक्वेक यानी जलजला आ जाता है। इसके बाद ये जो तीन वेव्स मैंने आपको बताई, प्राइमरी वेव, अब इसके फंक्शन एक मिनट के अंदर अंदर मैं क्लियर करता हूँ कि पी वेव प्राइमरी वेव्स का मतलब होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स का मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर वेव्स हैं, और ये होता क्या है, ये सब डायरेक्शन में चले जाती है, इसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई सा भी मीडियम हो, ये तीनों मीडियम में जाएगा और उसको अफेक्टेड कर देगा। तो सबसे ज्यादा ताकतवर वेव्स पी वेव्स होती हैं। सेकंड है हमारे पास एस वेव्स, एस वेव्स एस कंपेयर पी वेव्स थोड़ी सी लाइट होती है, पी वेव्स के मुकाबले में थोड़ी सी हल्की होती है, इसकी स्पीड भी थोड़ी सी हल्की होती है। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा सॉलिड पे अफेक्ट होगी, लिक्विड, जहां लिक्विड होगा और जहां पर आपका गैसेस होंगी उस जगह पे जाके ये अर्थक्वेक नहीं फॉर्म करेगा। आपने देखा होगा बाजू का जमीनों पे तो जलजले आ जाते हैं, पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्रों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है वहां पर जो है वो एस वेव फॉर्म होती है, यानी सरफेस, इसी सरफेस यानी लैंड के ऊपर आके अर्थक्वेक करवाती है सॉलिड जगहों पर। एंड द थर्ड वन वी हैव एल वेव्स। एल वेव्स क्या होती हैं, वो किसी भी किस्म की जो अर्थक्वेक होता है उसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस करवाती हैं, यानी एक रॉक एक वेव को दूसरी वेव के ऊपर चढ़ाती हैं, यानी एक रॉक को दूसरी रॉक के ऊपर
ट्विस्ट करवा देती हैं, घुमा देती हैं, तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक होता है वो एल वेव्स की वजह से होता है, जिसको हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर द फिजिकल स्टेट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था उसकी स्टेट्स थी, वो जितना मैंने अपने तौर पर बेहतरीन करके क्लियर कर सकता था क्लियर करा। देखें आप लोगों के लिए एक लेक्चर तभी अफेक्टेड होगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा, इफेक्टिव हो सकेगा आप लोगों के लिए। अब आप इसको बहुत एफिशिएंट वे में पढ़ें, मैंने बहुत अफेक्टिव वे में पढ़ाया, आप एफिशिएंट वे में पढ़ें। यानी क्या करना है आपने कि लेक्चर की वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 मरतबा आपने देखना है। एक मरतबा में हो सकता है समझ में ना आए, कि हम जब फिजिकल क्लासेस में होते हैं तब भी एक मरतबा में समझ में नहीं आता, आप तो वहाँ पूछ भी सकते हैं बाय फेस, यहाँ पूछने में भी थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन है। तो आपने करना क्या है कि 2 से 3 मरतबा वीडियो देखनी है और उसके बाद किताब से ज़रूर पढ़ना है और फिर मेरी कहीं भी बातों को किताब से मैच करना है। कुछ भी समझना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इनबॉक्स करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।